और अब खबर जयपुर के शाहपुरा से है, जहां जयपुर दिल्ली हाईवे पर 20 अप्रैल को बस चालक से लूट का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। डीआईसी के चलते आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हेमराज गुर्जर ने बताया कि सवारियों से भरी बस दिल्ली से जयपुर आ रही थी कि तभी जयपुर तिराया पर बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दे दिया था। इस घटना को लेकर नामजद रिपोर्ट चिमनपुरा कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल निठारवाल, लालाराम परसानिया, राहुल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई थी। आपको बता दें कि लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के 2 महीने बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस दौरान एसडीएम ने थानाधिकारी सीएम झाकड़ को मामले में आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।